तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायबिटीज का एक रामबाण इलाज। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते सबसे पहले जो है हमने जौ का पाउडर ले रखा है जो कि 150 ग्राम होना चाहिए। फिर यहाँ पे हमने थोड़ी बादाम ली है जिसका रेशियो जो है वो 150 ग्राम होना चाहिए। और यहाँ पे हमने चने लिए हैं, आप कैसे भी ले सकते हैं छिलके के साथ या अलग से, ये भी 150 ग्राम है। अब बारी है चने को ग्राइंड करने की। तो चलिए, ग्राइंडर जो है आपका वो बिल्कुल एकदम साफ़ होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। अगर आपने धोया है तो उससे अच्छे से पोंछ लीजिएगा ताकि कुछ भी जो है इसके अंदर चिपके ना। और चने को ग्राइंडर में डाल देते हैं। और चना जो है वो डायबिटीज़ वालों के लिए और साथ ही साथ नॉर्मल लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर हो सके तो अपन को चना का सेवन जो है वो रोज़ करना चाहिए। और चना जो होता है ना गाइस, वो आप छिलके के साथ लें तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप बिना छिलके के साथ खाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, बट छिलके के साथ जो है आपको चने के ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे क्योंकि छिलकों में भी उसके फ़ायदा होता है। तो चलिए गाइस, अब चलते से ग्राइंड करने की तरफ। तो यहाँ पे जो है हमने चने को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। और अगर आपको रुक रुक के करना है थोड़े थोड़े रेशियो में तो आप वो भी कर सकते हैं क्योंकि चने को होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये देखिए, इसका कुछ पाउडर जो है वो इस तरीके से कुछ रेडी हो जाएगा। तो चलिए गाइस, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। और इसको आपको वापस धोने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी ग्राइंडर में जो है बाकी चीज़ें भी ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं चने का पाउडर कुछ इस तरह से एकदम फाइनली ग्राइंड होना हो जाना चाहिए। तो गाइस, मैं जो आपको रेसिपी बता रही हूँ रामबाण इलाज है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्या पता आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाए। और अब मैंने यहाँ पर बादाम की, तो चलिए बादाम को भी अपन जो है ग्राइंड कर लेते हैं। अब बादाम में क्या होता है, थोड़ा सा ऑयल रहता है, तो अगर आपके पिसने के बाद ये एक साथ आपको मतलब थोड़ी सी जुड़ी हुई लगे तो वो इस वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो है थोड़ा सा ऑयल कंटेंट होता है। और बादाम जो है ना गाइस, वो नॉर्मली अपने लिए बहुत अच्छी होती है। यूँ ही नहीं कहते कि बादाम हमें रोज़ खानी चाहिए या पड़ते वक्त खानी चाहिए, उसके अंदर बहुत से मिनरल्स और फाइबर्स होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे बादाम भी जो है एकदम ग्राइंड होकर रेडी हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़े स्पून में लेकर देखिए इस तरीके से। इसमें थोड़े थोड़े से एक साथ जुड़े हुए हैं पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें ऑयल कंटेंट होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। और एक ही प्लेट में जिसमें अपन ने चने का पाउडर रखा था उसी में जो है अपन को ये बादाम का पाउडर भी निकाल के रख देना है। और अब बारी है जौ के पाउडर की। अगर आपके पास जौ नहीं है तो आप अगर मंगवाना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आपके पास दूसरा जौ है तो आप उसे पीस के यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी पिसा हुआ है क्योंकि मेरे मम्मी पापा घर पे लेते हैं डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए, तो इसलिए मेरे पास ऑलरेडी है। तो बस एक काम करना है, इसे जाके चने के पाउडर और बादाम के पाउडर में जाके अपन को मिक्स कर देना है। और गाइस, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं चाहती हूँ जिन जिनकी डायबिटीज़ है उनके अच्छे से कंट्रोल हो जाए, तो उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आगे मैं आपको प्रोसेस भी बताती हूँ इसे कैसे लेना है, तो पहले इसका काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ने जौ का पाउडर भी जो डाल दिया है। और इन ये सब चीज़ें जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए, एकदम अच्छे से। और अब जो है यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ आपको इसे किस तरीके से लेना है। तो आपको रोज़ सुबह एक टेबल स्पून जो है इस पाउडर को लेना है। आप इसे गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं या फिर आप इसे नॉर्मल पानी के साथ भी ले सकते हैं। और ये चीज़ आपको स्किप नहीं करनी अगर आपको आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रखनी है। तो रोज़ सुबह आपको इसे खाली पेट, याद रखिएगा खाली पेट लेने का आपको ध्यान रखना है। तो एक टेबल स्पून गुनगुने या नॉर्मल पानी के साथ सुबह खाली पेट, ये ज़रूर याद रखिएगा। और अब बारी इसे कंटेनर में फिल करने की, यानी भर के रखने की। एक एयर टाइट कंटेनर ज़रूर लीजिएगा, नहीं तो इसमें नमी आ सकती है क्योंकि अभी बारिश का सीज़न भी आने वाला है। ओके गाइस, और अब जो है इसे अच्छे से आप रख दीजिएगा और आपको जब भी खाना होगा आपको समय पर मिल जाएगी। तो गाइस, यहाँ पर ये अपनी रेसिपी रेडी होती है। आई होप सो यू लाइक इट गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। गाइस, आप कहाँ जा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट बात, आप इन तीनों की क्वांटिटी कितनी भी ले पर सबकी सेम होनी चाहिए। आपको जितना बनाना है उतना ले सकते हैं, पर याद रखिए सबकी सेम होनी चाहिए। अब मिलते हैं बाद में।